साथियों अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय जोहार। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं जन की बात। सोशल मीडिया पर इन दिनों बहस का मुद्दा बना हुआ है कोर्ट की अवमानना। दरअसल एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दो ऐसे ट्वीट किए थे जिसमें उन्हें कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए 22 जुलाई को प्रशांत भूषण के खिलाफ नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि उनके ये ट्वीट्स अदालत की अवमानना करते हैं। 27 जून को भूषण ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि पिछले कुछ सालों में देश में लोकतंत्र को तबाह कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले 4 चीफ जस्टिस की भी इसमें भूमिका रही है। और 28 जून को किए गए दूसरे ट्वीट में उन्होंने चीफ जस्टिस SA बोबड़े पर टिप्पणी की थी। दरअसल SA बोबड़े की एक तस्वीर सामने आई थी, इसमें वो महंगी बाइक पर बैठे नजर आ रहे थे। इस तस्वीर पर प्रशांत भूषण ने टिप्पणी की थी कि CGI ने सुप्रीम कोर्ट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है और खुद BJP नेता की 50 लाख रुपए की बाइक चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि पहली नज़र में भूषण के दोनों ट्वीट अवमाननापूर्ण लगते हैं। यह ट्वीट लोगों की निगाह में न्यायपालिका, खासतौर पर चीफ जस्टिस के पद की गरिमा को गिराने वाले हैं, जिसके कारण उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाया गया। इस कानून के तहत उन्हें 6 महीने की सजा हो सकती है या ₹2000 का जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। इसके साथ ही यदि अभियुक्त माफी मांग लेता है तो वह सजा से बच भी सकता है, लेकिन इसका पूरा फैसला कोर्ट पर निर्भर करता है। सोशल मीडिया पर एडवोकेट प्रशांत भूषण के समर्थन में कई लोग सामने आए, जिनमें इतिहासकार रामचंद्र गुहा, लेखक अरुंधति रॉय, वकील इंदिरा जयसिंह, सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस मदन बी लोकुर आदि लोग शामिल हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जब 3 साल पहले जस्टिस कर्णन ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होने की बात कही थी, तब उन्हें भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को 6 महीने की सजा भी दी थी, लेकिन उस समय इन्हीं प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन किया था। तब जस्टिस कर्णन का किसी ने समर्थन नहीं किया था, लेकिन आज सोशल मीडिया पर उन्हीं के लिए समर्थन करने वालों का तांता लग गया है। जस्टिस कर्णन दलित समाज से आते हैं। जब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया तो जस्टिस कर्णन ने ये भी आरोप लगाया कि पीठ का झुकाव सवर्णों की तरफ है और ऊंची जाति वाले जज एक दलित से छुटकारा पाने के लिए न्यायिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रशांत भूषण के साथ साथ अचानक जस्टिस कर्णन का मामला भी तुल पकड़ गया। रविवार को जस्टिस फॉर जस्टिस कर्णन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। आज जो लोग प्रशांत भूषण का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरे पक्ष के लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि वे जस्टिस कर्णन के मामले के वक्त कहां गायब थे। इस मामले पे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ट्वीट करते हैं, प्रशांत भूषण ने हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस कर्णन के जेल जाने की खुशी मनाई थी और सामान्य शिष्टाचार को भूलकर कर्णन के नाम के आगे जस्टिस लगाना तक भूल गए थे। इतने जातिवादी होते हैं सवर्ण। यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि जस्टिस कर्णन खुद एक वंचित समाज से आते हैं, खुद एक मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं और उन्होंने इन मामलों को लेके बड़ा संघर्ष किया, लेकिन अंततः उनको 6 महीने की सजा हुई। लेकिन उस समय पे भारत में जो समाज के तथाकथित प्रगतिशील लोग हैं उनकी तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया जस्टिस कर्णन के
के समर्थन में नहीं आई। इनफैक्ट प्रशांत भूषण जैसे जो कानून के बड़े भारी विद्वान हैं, उन्होंने भी इसको न्याय की जीत बताया, उन्होंने भी इसको लोकतंत्र की जीत बताया। आज बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। बहुजन समाज की और अधिक खबरों के लिए द शूद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। द शूद्र के लिए मीना कोटवाल, जय भीम, जय जोहर, जय भारत।